हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जानेंगे। अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल किया हुआ है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहां पर WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल की तरफ से यह अपडेट निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर जो 13 ट्रेडों की रिकॉर्ड स्क्रीनिंग की गई थी उनका परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और उस परिणाम को मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। डियर गाइज, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल से अगर आपने फॉर्म को फिल किया हुआ था तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना निषादपुरा भोपाल से 20 अक्टूबर को यह अपडेट निकल कर आया हुआ है और 2020-21 बैच के लिए एक्ट अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु आयोजित सभी 13 ट्रेडों की रिकॉर्ड स्क्रीनिंग का परिणाम यहां अपलोड कर दिया गया है। तो आप यहां पर प्रशिक्षण के लिए देख सकते हैं उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत सब सड़ीपुका भोपाल में एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु जारी अधिसूचना के तहत जो स्क्रीनिंग की गई थी 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2021 के बीच, इसके मध्य जो स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट सुटेबल पाए गए हैं और जो अनसुटेबल पाए गए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिलेगी। यहां पर बोला गया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर RDAT भोपाल से स्वीकृति मिलने के पश्चात अप्रेंटिस पोर्टल पर उनके द्वारा कॉन्टैक्ट लेटर जनरेट होने पर ही सड़ीपुका भोपाल में एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को यह जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.org वेब पोर्टल लिंक पर जाकर पंजीयन करना होगा और अपना पंजीयन क्रमांक प्राप्त करना होगा। पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉग इन करके चीफ वर्कशॉप मैनेजर कोच रिहेबिलेशन वर्कशॉप निषादपुरा भोपाल 462010 में अपने संबंधित ट्रेड में अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ये कैसे अप्लाई करते हैं इसका वीडियो मैंने अपडेट किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी भी पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया है तो जल्दी पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर लीजिए, वे तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें, अन्यथा उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया जा सकेगा। तो आपको पूरी डिटेल दी गई है और बोला गया है कि सभी औपचारिकताएं हैं आपको पूर्ण कर लेनी है। अभ्यर्थी दिनांक 10 नवम्बर से 13 नवम्बर के मध्य इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, यानी आपको सारी प्रोसेस करने के बाद 10 नवंबर से 13 नवंबर 2021 के बीच आप ऑफिस जा सकते हैं। और यहां पर जो स्क्रीनिंग रिजल्ट है PDF वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड सुटेबल, ये लिस्ट जो है अलग फॉर्मेट में अपलोड की गई है इसलिए आप इसे ऐसा देख पा रहे हैं। ओके, चलिए मैं आपको ये लिस्ट सीधी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जो कैंडिडेट सुटेबल पाए गए हैं और जो अनसुटेबल कैंडिडेट पाए गए हैं उनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, नाम, फादर का नाम सब मैच हो रहा है। रिमार्क में देख लीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई सुटेबल के आगे कुछ कैंडिडेट के आगे जो है रिमार्क में कुछ लिखा तो नहीं है, ये सारी जानकारी आपको मैच कर लेनी है। इसके अलावा आपने जो है जानकारी आपको जो वीडियो में दी गई है वैसे आपको जो है अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स की भी हम बात करेंगे, जो कारपेंटर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट है और कारपेंटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को भी ये वीडियो देख लेना चाहिए। और अगर आपका नाम है तो यहाँ पर आपके रिमार्क में क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि सुटेबल सब्जेक्ट टू सबमिशन और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पर आपका अगर कोई रिमार्क है, अगर आप यहाँ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा है तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, इसके बाद ही आपका अंतिम चयन होगा। तो यहाँ पर अदर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे। पेंटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिस्ट में नाम है जो कि सारे सुटेबल हैं
और अदर ट्रेड वाले कैंडिडेट जैसे कि कोपा हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, ये सारे कैंडिडेट्स को अपना नाम चेक कर लेना चाहिए, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। इसके अलावा सभी ट्रेडों की यहाँ पर मैकेनिक ट्रैक्टर को मिलाकर सभी ट्रेडों की अपडेट्स मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको लिस्ट में प्रॉपर नाम चेक कर लेना है, सुटेबल अनसुटेबल क्या रिमार्क में लिखा हुआ है, उन कमियों को पूरा कर लेना है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में जो आपको तथ्य बताए गए थे, जो पॉइंट बताए गए थे, उनको ध्यान में रखना है और आगे की जो है आपको तैयारी करनी है। तो डियर गाइज, अगर आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।